एक ओंकार सतगुरु प्रसाद बीज मंत्र उच्चारण किया है। ओंकार जो सबना का प्रकाशक है, जो केवल एको एक है। सतगुरु की प्रसाद होवे जो कृपा तां ओंकार की प्राप्ति हुंदी है। सतगुरु महाराज जी फरमाते हैं, हर बिन जियरा रह न सकै ज्यों बालक खीर आधारी। जिवें दुध दे आधारी हुंदा आसरे रहण वाला बच्चा दुध तो बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार ही कहिंदे हरी तो बिना मेरा जिहड़ा जी है चित है वह रह नहीं सकता। हर वक्त चित करदा वाहिगुरू वाहिगुरू करन नूं, क्योंकि जिवें बालक नूं दुध दे नाल रज आउंदा मैनूं नाम दे नाल रज आ जांदा। अगम गोचर प्रभ गुरमुख पाईऐ अपने सतगुरु कै बलिहारी। मन करके अगम ते इंद्रियां करके अगोचर वाहिगुरु सतगुरां द्वारा ही प्राप्त हुंदा है। सो इसलिए मैं अपने सतगुरु जी महाराज तो हमेशा ही बलिहार बलिहार जांदा। मन रे हर कीर्त तार तारी। फरमाउंदे हन हे मन, मन तो पावे प्यारे हरी दी कीर्ति रूप जो तारी है ना नौका बेड़ी लै के तू संसार सागर तो तरना कर। अकाल पुरख जी दे चरणा च इस प्रकार बेनतियां करदे हन। गुरमुख जा नाम अमृत जल पाईऐ जिन कहो कृपा तुम्हारी रहाओ। उन्हां गुरां द्वारे नाम अमृत जल प्राप्त हुंदा जिन्हां उत्ते आप जी की कृपा दृष्टि है। महाराज जी विश्राम दे के फरमाउंदे हन 507 अंग ते सनक सनंदन नारद मुन सेव है आंदिन जपत रह है बनवारी। हे बनवारी, संसार बन दे मालक वाहिगुरु सनक सनंदन सनातन ते संत कुमार चारे भाई आप जी की सेवा करते हैं। नारद वर्गे मुनि भी रात दिन आप जी के नाम नु जपते रहते हैं। शरणागत प्रहलाद जन आए तिनकी पैज सवारी। जो प्रहलाद वर्गे भगत जन आप जी की शरण में आए हैं उन्हां दी पैज इज्जत आप ने सवारी कृपा करके। अलख निरंजन एको वरतै एका जोत मुरारी। हे अलख, अलख तो भाव ना लखे जाण वाला ना जाने जाण वाला जो निरंजन है, पिछे भी एक तू ही वरतदा सी अते हुण भी हे मुरारी वाहिगुरु एक आप दी जोत सारिआं विच वरतदी है। सब जाचक तू एको दाता मंग है हाथ पसारी। सारे जीव मंगते हन आप दे, एक तुसीं ही दाते हो। सारे जीव हथ पसारी हुंदा अड के हथ पसार के हथ अड के मंगते हैं। अपने मन के संकल्प अनुसार मंगते हैं सारे जाने। भगत जना की उत्तम बाणी गावै अकथ कथा नित न्यारी। ये अकथ वाहिगुरु उन्हां भगत जना की बाणी उत्तम है श्रोमणी है जो हर रोज आप जी संसारक कथा तो निराली कथा नूं गाउंदे ने। क्योंकि एक तो संसारी कथावां हुंदियां हन, एक सब ते उत्तम हर की कथा। हरी की कथा सारिआं नालों उत्तम ते श्रोमणी है गुरबाणी की। सफल जन्म भया तिन के राय आप तरे कुल तारी। उन्हां दा मनुखा जन्म होया सफल, वो आप संसार समुद्र तो तरे ने अते अपनी कुल भी उन्होंने तार ली है। मनमुख दुबिधा दुरमत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी। वो मनमुख पुरश जिहड़े हुंदे ने दुबिधा हुंदी दवैत करके दुरमत, दुरमत हुंदी खोटी जिहड़ी उन्हां नूं सिक्ख्या मिली है, दवैश करके वह खोटी सिक्ख्या च लगे हुए ने। क्योंकि जिन्हां दे अंदर मोह है ते अग्ञान रूप अंधेरा छाया होया। संत जना की कथा ना भावै ओए डूबे सण परवारी। उन्हां नूं संत जना की कथा सुननी चंगी नहीं लगती, ते जिन्हां नूं कथा नहीं चंगी लगती उन्हां लई गुरु साहिब ये वाक कहिंदे, इसलिए वह परिवार दे सण हुंदा सहती समा संसार समुद्र च डुबे हुए ने। बहुत सारे ऐसा प्रचार कर देंदे भी कथा सुनन की लोड़ नहीं, पर उन्हां नूं इन्हां पंक्तियां वल ध्यान देना चाहिए। निंदक निंदा कर मल धोवै ओहो मल पाख माया तारी। जिहड़े निंदक बंदे ने संतां की निंदा करदे आ उन्हां दे पापां रूपी मैल नूं धोंदे आ। वह माया तारी निंदक जिहड़े ने मल पाख गंदगी ही खांदे ने, चाहे वह माया तारी भी है तां भी वह मल पाख
कां वांगू सूर वांगू है कहिंदे। संत जना की निंदा व्यापे ना उर वार ना पारी, क्योंकि संत जना की निंदा विच ही लगन करके उन्होंने इस लोक का सुख ना ही पारी हुंदा, पर लोक का सुख दोनों ही सुख प्राप्त नहीं हुंदे। एहो परपंच खेल किया सब करता है हर करता है सब कल तारी। ये संसार का सारा खेल करते पुरख ने आप ही किया, अते हरी करते ने सबना विच अपनी जिहड़ी कल हुंदी शक्ति धारी होई है। हर एको सूत वरतै जुग अंतर सूत खिंचै एक अंकारी। एक हरी दी सूत हुंदा सत्ता सारे जगत अंदर वरत रही है। जदों सूत हुंदा चेतन सत्ता नूं खिंचदा है उदों फिर इकला ही रह जांदा। रस निरसन रस गाव है हर गुण रसना हर रस धारी। जिन्हां ने अपनी रसना हरी नाम रस विच धारी होई है वह संसारक रसा तो निरस हो के रस हुंदा प्रेम नाल हरी गुणा नूं गाउंदे ने। इस तरह रस निरसन रस गाव है हर गुण रसना हर रस धारी। तो कहण तो भाव है कि निरसन दा निरास हो के जो संसार वल्लों सारे रसां तो निरास हो के उहदे गुणां नूं गाउंदे ने। अथवा दूसरा पाठ इस तरह भी है रसन रसन रस गाव है हर गुण। तो इस तरह वह रसार सा के प्रेम दे नाल हरी दे गुणां दा गायन करदे हन। नानक हर बिने अवर ना मांगा हर रस प्रीत प्यारी। महाराज जी कथन करते हैं कि हरी नाम तो बिना मैं होर कुछ नहीं मंगता, क्योंकि मैनू हरी रस की प्रीति ही प्यारी लग रही है। भाई गुजरी महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वाहिगुरु नू सर्ब रूप विच वर्णन करते हुए बेनती करते हैं गुजरी राग दे विच पंजवें पातशाह दूसरे घर सुरतार च गाउण दा हुक्म करते हैं एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ओंकार जो केवल एक एक सतगुरु की प्रसाद कृपा द्वारा प्राप्ति हुंदी जिस दी। राजन मैं तू राजा कही है भूमन मैं भूमा। सारिया रूपां विच वाहिगुरु तुसी हो वड्डे हो। ये वाहिगुरु राजां विचों तू वड्डा राजा कहा जांदा है। भूमन हुंदा जिमीदारां विचों वड्डा जिमीदार है तू। ठाकुर मैं ठकुराई तेरी कोमन सिर कोमा। सब ठाकरां विचों वड्डी ठुकराई आप जी दी होई है। ठाकुर राजपूतां दी इक संज्ञा है। तो ठाकुर संज्ञा विचों भी आप दी ठुकराई जो है प्रभुता जो है वह प्रधानता रूप दे विच है सरदारी है तुहाडी उहनां दे विच भी। फरमाया है जिवें तूं मीरा साची ठकुराई नानक बल बल जा बणिया। सो कौमां विचों सिरताज तेरी कौम है कोमन सिर कौमा। जातियां विचों वड्डी तेरी जात है। पिता मेरो बड़ो तनी अगमा उस्तत कवन क्रीजै करते पेख रहे बिस्मा रहाओ। हे मेरे पिता रूप परमेश्वर वाहिगुरु तू वड्डा अगम तनी है। हे करते तेरी केड़ी उस्तत करिए, क्योंकि आप जी दे कौतक वेख वेख के असी बहुत हैरान हो रहे हाँ जी। बिस्माद भाव हैरान विश्राम दे के फरमाउंदे हन। सुखियन मैं सुखिया तू कही है दातन सिर दाता। सुखियां विचों वड्डा सुखी कहा जांदा है। दातियां विचों सिर हुंदा श्रोमणी दाता कहा जांदा है दातन सिर दाता। तेजन मैं तेजवंशी कही है रसियन मैं राता। तेज वालियां विचों तू वड्डा तेजवंशी भाव कहण तो कि तेज प्रताप वाला कहाउंदा है। रसिया होके रसियां विच राता भाव मिलिया होया है। सूरन मैं सूरा तू कही है भोगन मैं भोगी। सूरबीरां विचों तू वड्डा सूरबीर कहा जांदा है भोगियां विचों तू वड्डा भोगी है। ग्रस्तन मैं है तू बड़ो ग्रस्ती जोगन मैं जोगी। ग्रस्तियां विचों तू वड्डा ग्रस्ती हो के अते जोगियां विचों वड्डा जोगी हो शिव रूप है। ग्रस्तियां विचों कृष्ण रूप हो के ग्रस्ती वड्डा इस प्रकार जेड़े रूप धार लेंदे हो। करतन मैं तू करता कही है आचारन मैं आचारी। करत्यां विचों तू वड्डा करता कहा जांदा है। आचारन हुंदा करतबां दे करन वालियां विचों वड्डा तू आचारी करतबां दे करन वाला है। साहन मैं तू साचा साहा वापारन मैं वापारी।
नरसी भगत की हुंडी तारण करके शाहूकारां विचों तू सच्चा शाहूकार है, व्यापारियों विचों तू वड्डा व्यापारी है। दरबारन मह तेरो दरबारा, सरन पालन टीका, सारिया दरबारां विचों आप जी दे दरबार वड्डा है। अत उच्चा ताका दरबारा, अंत नहीं किश पारा वारा। सो जितने भी शरण आया की पालना करन वाले हन, उन्हां सारिया विचों तू टीका हुंदा श्रोमणी है। जिवें किसे राजे की कोई शरण जावे, वह कहिंदा मैं रख नहीं सकदा, फिर वड्डे राजे की, फिर उस तो वड्डे की, वह कहिंदा मैं भी नहीं रख सकदा। जदों तेरी शरण विच आया, उस वक्त जिते शरण आए हैं तिते राख लै है। सो जिस प्रकार दारा छको पंजवें पातशाह कोल गया सी, महाराज ने निडर होकर उन्हों प्रशादा छकाया अते कुछ माया भी दिती। इस प्रकार दारा छको उन्हों कोई रखदा नहीं सी। लक्ष्मी केतक गनी ना जाइए, गन ना सकों सीका। तेरी लक्ष्मी जिहड़ी दौलत किन्नी है वह गिनी नहीं जाती। तेरी सीका तो पाव हकूमत, तेरा सिक्का जिहड़ा चलता उन्हों कोई गिन नहीं सकता। सो धातु उत्ते लगी हुई राज की मोहर नूं सिक्का कहिंदे ने, उन्हों रुपईया भी कहिंदे ने। नामन मह तेरो प्रभ नामा, ज्ञानन मह ज्ञानी। ये वाहिगुरु नामा विचों आप दे ही नाम वड्डा वाहिगुरु। सो जिस प्रकार फरमाउंदे ने किरतम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्बा। अते ज्ञानियां विचों तू ही वड्डा ज्ञानी है, होर कोई ज्ञानवान नहीं है, क्योंकि तू असल ज्ञानवान है। लोगों के बाहर ज्ञान हुंदा, अंदर नेरा हुंदा है। सो जिस तरह वचन आया है कि मन अंधा नौ सुजान, जां महाराज ने वचन किया बाहर दिसै चानना दिल अंधेरी रात। जुगतन मैं तेरी प्रभ जुगता, इस नानन मैं इस नानी। हे वाहिगुरु, जुगतन हुंदा दलील वालियां विचों, तेरी जिहड़ी जुगता दलील वड्डी है, अते इशनानियां विचों भी तू ही वड्डा इशनानी है। किधर इहनूं भी कोई भज लवे कि मैं वड्डा, पर नहीं, कोई वाहिगुरु तो वड्डा नहीं है। सिद्धन मैं तेरी प्रभ सिद्धा, करमन सिर करमा। हे वाहिगुरु, 84 सिद्धां विचों तेरी सिद्धी प्रबल है। सो करम हुंदा करम कांडियां विचों सिर करमा, श्रोमणी करम कांडी भी तू ही है। करम हुंदा कृपा दे करन वालियां विचों सिर करमा, श्रोमणी भाव वड्डी कृपा करन वाला भी तू आप ही है। जिधर नूं कोई जावेगा महाराज जी, उधर नूं ही वड्डे ने सारिया पक्षां तों, इस करके उह सारिआं दी हर पक्षों ही श्रोमणी हन। आग्या मैं तेरी प्रभ आग्या, हुकमन सिर हुकमा। 508 अंग ते फरमाउंदे ने हे वाहिगुरू, आग्या विचों तेरी आग्या बहुत जबरदस्त है, अते हुक्म दे करन वाले जिन्ने क राजे महाराजे ने उन्हां दे सिर उत्ते आप जी दा ही हुक्म चलदा है। ज्यों बुलावै है त्यों बोलै स्वामी, कुदरत कवन हमारी। हे स्वामी मालक, जिवें तुसीं बुलाउंदे उवें ही मैं बोलदा, नहीं तां साडे विच बोलण दी कहिड़ी कुदरत तों भाव ताकत है। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने हे वाहिगुरु, जो आप जी की वड्डी प्यारी साध संगत है ना, मैं उस दे नाल मिल के आप दा जस गायन कीता जी। गुजरी महला पंजवा, घर चौथा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद नाथ नर हर दीन बंधव, पतत पावन देव। हे नाथ तो भाव स्वामी, नर हर नरां दे हरे करन वाले, नरसिंह अवतार धारण वाले, आप दीन बंधव हो जी, गरीबां दे संबंधी हो। अते देव हुंदा प्रकाश रूप वाहिगुरु, आप जो पतत लोग ने उन्हां नूं पापियां नूं पावन करन वाले, पवित्र करन वाले हो जी महाराज जी। पै त्रास नास कृपाल गुण निध, सफल स्वामी सेव। हे कृपालू, शुभ गुणां दी निधि आप, पै त्रास भयानक डर दे नास करन वाले हो। हे स्वामी, आप जी दी सेवा जो है वह सफल है जी। हर गोपाल गुर गोबिंद, हे गोपाल हरी सारिआं तों गुर हुंदा वड्डे। सो वड्डे गोबिंद हुंदा जो गोबिंद इंद्रियां नूं प्रकाश देण वाला, गो देवतियां नूं प्रकाश देण वाला, जो गो तों भाव बुद्धि नूं बिंद प्रकाश देण वाला, जो वेदां करके जाणने योग है, चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहाओ। हे केशव दयालु सुभाव वाले, मैं आप दे चरणां दी शरण हाँ जी। आप मैनू भाव हुंदा भयानक संसार समुद्र तो तारना करो, कृपा करके
विश्राम दे के फरमाते हैं, काम क्रोध हरन मद मोह दहन मुरार मन मकरंद। हे मुरारी जी, आप काम क्रोध दे हरन तो भाव नाश करन वाले हो ते माद मोह नूं जिहड़ा है दहन साड़न वाले हो। मेरा मान रूपी मकरंद भंवरा आप जी दे चरण कमलां दी जो मकरंद हुंदी धूड़ी या कहीए रस सुगंधी नूं चाहुंदा है। फुल दे उत्ते जे देखिए उहदे उपरले पासे एक धूड़ा जिहा लग्गिया हुंदा है। जदों भंवरा एक फुल तो बह के दूजे ते जांदा है तो अपने आप ही फिर इस प्रकार अगे तो अगे फुल खिड़दे ने। इस तरह वह मकरंद जिवें धूड़ा हुंदा खुशबूदार, आप दी चरण धूड़ी खुशबूदार मैं चाहुंदा हाँ, क्योंकि आप दे चरणां दी धूड़ी मकरंद वर्गी सोहणी लगती है। जन्म मरण निवार धरणी धर पात राख परमानंद। हे धरणी धर, धरणी तो भाव धरती का धर जो आसरा रूप परमानंद, परमानंद स्वरूप वाहिगुरु जन्म मरण के दुख नूं निवार भाव दूर करके मेरी इज्जत रख लो जी। पात राख सो ध्यान दिंदे रहना अखां वल, जिन्हां ने पोथियां प्रकाश कीतियां जां महाराज के सरूप से भी दर्शन करते ने कई जाने, पोथियां प्रकाश करो वो फिर जदों ध्यान नाल देखदे फिर पता लगता कि अर्थ किस प्रकार बनदा। जल ते अनक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत। माया दे अनेक तरह के जिहड़े तरंग जलत संकल्पां विच मैं सड़ रहा हाँ जी। हे वाहिगुरु, गुरमंत्र द्वारा मेरे हिरदे च ज्ञान देना करो, क्योंकि गुरमंत्र दे द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हुंदा। जिवें कहीए भी क्योंकि नाम दी अंश ही ज्ञान है। छेद अंग बुद्ध करुणामय चिंत मेट पुरख अनंत। सो इस प्रकार करुणामय, मैं दा इत्थे मैं नहीं कहना क्योंकि मैं दा अर्थ स्वरूप हुंदा है। हे करुणामय कृपा स्वरूप वाहिगुरु, हंगता वाली बुद्धि छेद भाव छेदा हुंदा कटना करो, अते हे अनंत पुरख मेरी चिंता नूं कृपा करके मेटना करो जी। सिमर समरथ पल महूरत प्रभ ध्यान सहज समाध। हे समरथ परमेश्वर जी, जो पल ते महूरत काल विच तेरे सिमरन दा ध्यान करना है मेरे लई एहो सहज तो भाव महाराज जी, एही निर्विकल्प समाधि है मेरे वास्ते जी। दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण जाची है राज साध। हे दीन गरीबां दे उत्ते दयाल परमेश्वर जी वाहिगुरु जी सारिआं विच पूर्ण जी, मैं आप जी तो संतां दी राज जाची है, राज हुंदी धूड़ी, धूड़ी चाहुंदा हां महाराज आप प्रसन्न होके देना करो। किन्नी इह निम्रता हुंदी, जिन्हां ने कुछ लैणा हुंदा वो इस तरह धूड़ी मंगदे ने, निम्रता मंगदे ने अकाल पुरख वाहिगुरु पासों। मोह मिथन दुरंत आसा वासना विकार। मोह करके मिथ्या पदार्थां दी दुरंत हुंदी बेअंत आसा है, अते विकारां दी मंद वासना मेरे मन दे अंदर हमेशा लगी रहिंदी है। वो अपने धुएं वांगू इस प्रकार हौली हौली उठदी रहिंदी है, उठदी रहिंदी अंदर। रख धर्म भरम विदार मन ते उधर हर निरंकार। हे निरंकार हरि परमेश्वर, मेरा सेवक धर्म रख के ना मन विचों भरम नूं विदार हुंदा नाश करके संसार समुंदर तो तार ना करो जी। आप तनाड़ आड़ भंडार हर निध होत जिन्ना ना चीर। हे निधियां सिद्धियां दे मालक हरि परमेश्वर, जिन्हां दे तान उत्ते चीर भाव कहण तो कपड़ा भी नहीं हुंदा सी, ओ तेरे नाम भंडारे नूं पा के तनाड़ हो गए, तनवाना दे भी आड़ हुंदे आसरा रूप हो गए। खल मुगद मूड़ कटाख्य श्री धर भय गुण मत तीर। सो इस प्रकार फरमाउंदे हे श्री धर, श्री हुंदी माया दा धर जो आसरा रूप वाहिगुरु, जो मन बाणी शरीर करके महा जड़ मूर्ख लोग सन, ओ तेरी कटाक्ष भाव जिहड़ियां कटाक्ष हुंदा है कृपा दृष्टि करके शुभ गुण पा के ओ मत दे धीरज वान वाले बन गए, उन्हां दी मत धीरज वाली हो गई है। कटाक्ष अद्धा यईया होण करके कटाक्ष जीवन मुक्त जगदीश जाप मन धार रिद प्रतीत। जिन्हां ने हिरदे विच प्रतीत जां शरदा धार के मन विच जगत दे मालक नूं जपिया वो जीवन मुक्त हो गए ने। जी दया मया सर्वत्र रमणं परम हंस है रीत। क्योंकि उन्हां परम हंसां दी रीति है कि सारिआं विच
ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਰਪਾਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਮਣੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੰਸ ਹੈ ਤਤਵੇਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਤਤਵੇਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ। ਸੋ ਪਰਮ ਹੰਸ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਤਤ ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ। ਦੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਵਨ ਹਰ ਜਸ ਰਸਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਾਰ। ਦੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਵਨ ਹਰ ਜਸ ਰਸਨ ਨਾਮ ਉਚਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਵਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਵਨ ਹਰ ਜਸ ਰਸਨ ਨਾਮ ਉਚਾਰ। ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੇ ਵਸਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੌਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀ ਜਸ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।